सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके साथ एक विषय पर बात करना चाहता हूँ, विषय कह लीजिए या पदयांश कह लीजिए, वो है जीवन के बारे में। हमारे जीवन में कितनी बारी हुआ है कि हमने ऐसा कहा है कि मुझे मालूम ही नहीं चल रहा मेरे जीवन में हो क्या रहा है, क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं, मैं इस चीज़ का कुछ मतलब ही नहीं निकाल पा रहा कि मेरी लाइफ हो क्या रही है, मेरी लाइफ का मतलब क्या है। हम अपने जीवन में ये भी कहते हैं अक्सर, या आपने लोगों को भी सुना होगा कि किस दिशा में मेरा जीवन जा रहा है उसका मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये जीवन एक ऐसी दुविधा बन गई है दुनिया के लिए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको मैनेज कैसे करें। हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इट इज़ बियॉन्ड मैनेजेबल। हमारा जो जीवन है अब उसको संभालना, उसको मैनेज करना कैसे है, बहुत मुश्किल है। और अपने हर एक के किसी को अपने अपने जीवन में ऐसा आकर लगता है, एक समय आता है कि वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ ही जाने दे रहे हैं, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइव्स। और यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी ना किसी के जीवन में कभी ना कभी तो आता है। मैंने भी ये जीवन में एक्सपीरियंस किया है, इसका अनुभव किया है कि मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ है, इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा, ये व्यर्थ जीवन है। और ज़िंदगी में असार्थक महसूस करना, ऐसा फील करना दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ये भी सबके जीवन में घटित होता है। और ये एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी ने किया कि दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस। जब हम पढ़े एक्लिशियास्टस की बुक, उसमें जो प्रीचर हैं, जो टीचर हैं, जो शीर्षक हैं, वो ये कहते हैं बार बार क्या कि सब व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है परमेश्वर के बिना। परंतु बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, जिसने अपने जीवन का एक मतलब निकाला, उद्देश्य निकाला, जिसको लगा कि नहीं, जीवन इन सब बातों से बढ़कर है, जीवन का एक अर्थ है, जीवन का एक मतलब है। आज उस व्यक्ति का नाम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसका नाम है पौलुस, द अपोसल पॉल। और पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छे से प्रयोग किया। हाँ, और किस तरह से किया वो हम देखेंगे। आज का जो एक प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अब मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं, हाउ डू आई लिव माई लाइफ नाउ, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं। तो मैं आपके सामने एक पद्यांश को पढ़ना चाहूँगा जो है एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स में से, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 20-25, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसकी 20 से 25 आयत तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और वो कुछ इस प्रकार से कहती है और जो जो बातें, 20 आयत, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर से खाने से कभी ना चिकचिका, 21 आयत, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, 22 आयत, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, 23 आयत, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझको ये कहता है, क्या कहता है, कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं, 24 आयत, परंतु मैं अपने प्राण को खुद कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उससे सेवा की पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखेंगे। तो पौलुस कहते हैं दैट यू विल नॉट गेट टू सी माय फेस। अब ये जो पद्यांश है इसका संदर्भ क्या है, पौलुस अपनी आखिरी मिशनरी जर्नी पर थे, तीसरी मिशनरी जर्नी पर, और अब क्या हो रहा है कि वो एफिसूस के एल्डर्स को बुलाते हैं, इन्होंने इस कलीसिया के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया था, इफिसियों की कलीसिया के साथ, और 3 साल का लगभग समय बिताया। उसके बाद जब अलविदा कहने का समय आया है तो उनको बुलाते हैं और कहते हैं, कुछ हिदायतें देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हें शायद ना देखूं। और एक जो बात वो कहते हैं कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं जानता, आई डू नॉट कंसिडर माई लाइफ वर्थ एनीथिंग, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे एक ही कार्य करना है, वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है जिसके लिए मैं चुना गया हूँ, उस दौड़ को पूरा करना है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, और वो है सुसमाचार का प्रचार करना। अब ये जो बातें उन्होंने कही ये बहुत इमोशनल है, बहुत
यू नो दे आर वेरी इमोशनल, भावनात्मक रूप से देखें तो बहुत इमोशन भरे हैं। और इस जो अध्याय का जब खत्म होता है, समाप्ति होती है, तो पौलुस रोते हैं और वो सारे व्यक्ति रो रहे होते हैं कि पौलुस को हम दोबारा अब नहीं देखेंगे। और कभी बार ऐसा लगता है कि पौलुस अपने जीवन को लेकर के बहुत निराशावादी थे, परंतु ऐसा नहीं था। पौलुस एक आशावादी व्यक्ति थे, ही वॉज एन ऑप्टिमिस्ट अबाउट हिज लाइफ। और कुछ चीज़ें जो पौलुस के जीवन में से हम देखते हैं कि वो जीवन को कैसे देखते थे, हाउ डिड ही व्यू लाइफ एंड हाउ डिड ही लिव्ड हिज लाइफ। पहली चीज़ जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को देखा वो था कि पौलुस कहते थे मेरा जीवन एक क्रूसिड जीवन है, पॉल लिव्ड अ क्रूसीफाइड लाइफ। गलातियों 2:20 में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस ने अपने जीवन को एक क्रूसिड जीवन जाना था। इसका मतलब क्या है? क्रूसिड जीवन जीने का मतलब यह है कि वो जो मुश्किल, जो परसिक्यूशन, जो सफरिंग, जो विपत्तियां हैं, उनमें हम मसीह के भागीदारी बनते हैं। हम वो चीज़ों का अनुभव करते हैं जिस चीज़ों पर मसीह ने अनुभव किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा, लूका उसका 14:27 में, कि जो कोई अपनी क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलना चाहता वो मेरा चेला भी नहीं हो सकता। एनी वन हु वॉन्ट्स टू फॉलो मी हैज टू टेक हिज क्रॉस डेली एंड दैट पर्सन कैन बी माई डिसाइपल देन। ये मतलब है कि क्रूसी जीवन जीने का, कि हम वो जो विपत्तियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो मसीह ने उठाई हैं, हम उसमें भागीदारी बने। और पौलुस ने इस चीज़ को बिल्कुल जान लिया था कि वो इन मुसीबतों के, इन मुश्किल के भागीदारी होना चाहते हैं। एक क्रूसी जीवन जीने का मतलब है कि इस चीज़ पर भरोसा भी करना कि कल को परमेश्वर उधर ही है, प्रभु उधर ही है, जहाँ जिस समय पर, जहाँ पर मैंने अपने जीवन में मुश्किल का सामना करना है। तो पौलुस एक क्रूसी जीवन जीते थे। उसके बाद दूसरी चीज़, पौलुस एक मसीह केंद्रित जीवन जीते थे। पॉल लिव्ड अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। फिलिपियों का 1:21 में वो कुछ इस प्रकार कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मेरे लिए जीवन, जीवित रहना मसीह है परंतु मर जाना लाभ है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीवन तो मसीह है, जीवित रहना तो मसीह है, परंतु मर जाना एक लाभ की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार में इस प्रकार से कहा, 17:33 में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। एनीवन हु वांट्स टू सेव देयर लाइव्स दे विल लूज इट, बट जो कोई उसको खोना चाहता है, मेरे लिए देना चाहता है, वह बचा लेगा। पौलुस इस बात को समझ चुके थे कि यदि वो अब मर भी गए, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन उन्हीं का है। इस तरह से वो मसीह केंद्रित जीवन जी रहे थे। YWAM एक संस्था है, उनका एक डिसाइपलशिप स्कूल होता है, DTS, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल। तो मैंने किसी व्यक्ति से पूछा इसका मतलब क्या है DTS का, वो कहते हैं इसका मतलब है डेड टू सेल्फ, कि खुद को मरना, खुद को मारना, ये है उसका मतलब। और ये ही चीज़ थी डेड टू सेल्फ जो पौलुस जी रहे थे। पॉल वॉज लिविंग अ लाइफ दैट ही वॉज नो मोर, इट वॉज क्राइस्ट हु वॉज लिविंग विद इन हिम। सो पहला जीवन पौलुस जो जी रहे थे वो था पॉल ने एक क्रूसिड जीवन जिया, दूसरा था कि पॉल ने एक मसीह के अंदर जीवन जिया, और तीसरा जो था पॉल ने एक उद्देश्य केंद्रित जीवन जिया। उद्देश्य केंद्रित जीवन वो कहते हैं जो हमने आयत पढ़ी प्रेतों के काम उसका 20:24, वो इस प्रकार से कहते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। ही वॉन्टेड टू फिनिश दैट रेस विच गॉड हैड गिवन हिम। उस दौड़ को पूरा करना है, उस सुसमाचार को प्रचार करना है जो उसे प्रभु यीशु मसीह से मिला। वो केंद्रित थे अपने जीवन में कि उन्हें क्या करना है। मेरे से किसी ने पूछा हाल ही में कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर सारी पाबंदियाँ खत्म हो जाए तो आप सेवा में क्या करना चाहोगे। मैंने कहा ये प्रश्न आपने यदि मेरे से किया होता 6 साल पहले तो मैं इसका जवाब दे पाता, परंतु आज की तारीख में मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास पता ही नहीं था कि मुझे जीवन में क्या करना है, किस चीज़ पर मेरा पर्पस है।
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। परंतु पौलुस ऐसे नहीं थे, और मैं आशा करता हूँ आप भी ऐसे नहीं हैं कि हमें अपना उद्देश्य नहीं पता। पौलुस उद्देश्य केंद्रित थे कि मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस केंद्र पर चलेंगे, इस उद्देश्य केंद्रित व्यक्ति बनेंगे जिस प्रकार पौलुस थे। आखिरी में पौलुस ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा जीवन जीता हूँ जो विश्वास योग्य है। वो कहते हैं दूसरा तिमुथियों 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मतलब मैं विश्वास में बना रहा हूँ, जो विश्वास मुझे मिला मैंने उसको संभाल कर रखा है, मैं विश्वास से डगमगाया नहीं, मैंने विश्वास को छोड़ा नहीं। वो विश्वास योग्य रहे उस सुसमाचार के प्रति जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा, वो विश्वास योग्य रहे उस दौड़ के प्रति, उस कलीसिया के प्रति जो परमेश्वर ने उसे उन्हें संभालने को दी। हमारी जो विश्वास योग्यता है वो छोटी बातों में दिखती है, और परमेश्वर ने पौलुस को उस चीज़ पर टेस्ट भी किया, छोटी छोटी बातों पर। और परमेश्वर सिर्फ छोटी बातों में हमारी विश्वास योग्यता नहीं देखते, वो देखते हैं कि जो छोटी चीज़ हमारे पास है हम परमेश्वर के उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। वो जिस प्रकार कहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह Luke 16:10 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए थोड़े से थोड़े में भी हमें विश्वास योग्य रहना ज़रूरी है, और पौलुस उस सुसमाचार से विश्वास योग्य रहे। उन्होंने सुसमाचार में कोई खराबी नहीं की, अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग नहीं किया, परंतु उसका वो प्रयोग किया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रश्न है कि अब मैं अपना जीवन कैसे जीऊँ, तो हम अपना जीवन 4 तरह से जी सकते हैं आज की तारीख में। एक क्रूसित जीवन, एक ऐसा जीवन जो सफरिंग के लिए तैयार है, जो परीक्षा के लिए तैयार है, जो मुश्किल के लिए तैयार है। एक ऐसा जीवन जो मसीह केंद्रित है, कि हमें सिर्फ मसीह के साथ एक होना है और मसीह के लिए जीना है। एक ऐसा जीवन जो उद्देश्य केंद्रित है, अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। और एक ऐसा जीवन जो विश्वास योग्य जीवन है। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो आज का मैसेज था, वो आपको क्लियर हुआ कि मुझे अब कैसे जीवन जीना है। पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें इन 4 बातों को अपने जीवन में रखना है। पहली के क्रूसित जीवन, दूसरा एक मसीह केंद्रित, तीसरा उद्देश्य केंद्रित, और चौथा विश्वास योग्य जीवन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं पौलुस के जीवन के लिए, ऐसा जीवन उन्होंने जिया जो हमारे लिए एक उदाहरण है। पिता, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वचन बोला गया है वो सबके लिए आशीष का कारण बने। और पिता, ये बाहर जो बढ़ रही है गर्मी, पिता वो हमारे हृदय की गर्मी को ठंडा ना करे, परंतु हम आपके लिए जलते रहे पिता उस गर्मी में पिता, ताकि आपके राज्य का कार्य करते रहे। हमें पिता एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए सिखाइए, एक केंद्रित उद्देश्य केंद्रित जीवन, और एक ऐसा जीवन जो मसीह केंद्रित है, और साथ ही साथ एक क्रूसित जीवन। पिता, हम भी पौलुस की तरह कह सके कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ जानता हूँ यदि मैं उसको सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, प्रयोग नहीं कर रहा। पिता, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि हम सब आपके कार्य में लगे रहें। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाइबल की बात में दोबारा मुलाकात होगी जल्द से जल्द। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की।